इमरान खान की रेडी हैं। लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके सामने पेश होऊंगा अपने कागजात नामजदगी लेके। आपको मालूम है कि यार आप कहाँ से हैं? अपने पंजाब ऊपर कर रहे हैं ताकि इस मुल्क में जो शदीद सियासी बहरान चल रहा है और जो शदीद माशी बहरान चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और हम इलेक्शन की तरफ बढ़े। कानून और आईन के मुताबिक असेंबलियों की तहरीर के ठीक 90 दिन के बाद इलेक्शन होना और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे पंजाब असेंबली के तो कम अज़ कम ज़रूर होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कौमी असम्बली बहरहाल कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी तरफ से शरारत की और बजाय कि हम सब के इस्तीफे कबूल करते पहले इन्होंने 9 इस्तीफे कबूल किए। उन 9 की 9 नशस्तों पर इमरान खान साहब कामयाब हो गए। फिर इन्होंने 33 इस्तीफे कबूल किए जिनका इलेक्शन 16 मार्च को होगा। फिर इन्होंने 45 इस्तीफे कबूल किए और ये वो इस्तीफे हैं जिनकी आज नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट ने मौसम कर दी। तो जहाँ तक रही बात हमारे 33 इस्तीफों की तो हम जनाब 33 के 33 लोग जो रुकने कौमी से यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे कवरिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है इसमें भी हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और जब अप्रैल के अंदर आईन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात होंगे और 66 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनेगी हम उस इलेक्शन में भी कामयाब। कल केपीके के गवर्नर ने भी और आपका गवर्नर भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है कौमी असम्बली के साथ ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हम अलग अलग इलेक्शन तो इस पर अगर कोई डिले हो जाते हैं तो फिर क्या सूरत डिले नहीं देखें उन्हीं की मंतक को ले लेती है पंजाब की गवर्नर की। अगर आप ये समझते हैं कि बेहतर ये है हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन इकट्ठे हों तो कोई मसला नहीं 66 दिन के बाद आपको इलेक्शन करा दें। वैसे भी ये कौन सी कौमी असम्बली है जो चल रही है राजा रियाज वाली कौमी असम्बली जिसके अंदर आधे से ज़्यादा हाउस बैठा ही नहीं है जिसके अंदर स्पीकर का जब दिल करता है जिस दिन का दिल करता है इस्तीफा मंजूर कर देता है जिसका दिल करता है नहीं मंजूर करता है। काम हो नहीं रहा हुकूमत चल नहीं रही लाहौर में जाके देखें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा बिजली नहीं है गैस नहीं है डॉलर नहीं है नौकरियाँ नहीं है सनत बंद पड़ी है तो ये कौन सा अपने ये जो हुकूमत है PDM की ये कौन सा अपने घर के ऊपर तोप लगा के बैठी हुई है मुल्क तो ऐसे चल नहीं रहा तो इलेक्शन कराएं सारे इलेक्शन कराएं अप्रैल के मैदान मैदान छोड़कर भागे ना। मतलब ये सी के हवाले से बता दें कि आप फैसला कर खान साहब की जाने से भी आया कि वो से जाने का सोच रहा हूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाया जी अभी जेल में जाएं अंदर जाएं कैसे जाएंगे आप जा सकते हैं आपकी हिम्मत है ये जो आप टीवी पे बता रहे हैं लोगों को आप बताएं मियां हमाल अजर मियां हमाल अजर इमरान खान तेरे जान सर इमरान खान तेरे जान सर खान तेरे जान सर। और हम इलेक्शन से फरार इख्तियार करेंगे आप इन 33 के बाद हमसे दोबारा 33 मरतबा इलेक्शन करा लें हम सियासी लोग हैं हम इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे हम लंदन में ही भागेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि अमन अमान या माशी सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन नहीं हो सकती हमें किसी सियासी लीडर का खौफ नहीं है जिसके लिए हम ये बयानियाँ बनाएं जो भी इलेक्शन होएगा चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेगी और इंशाल्लाह ताला भारी सख्ती से कामयाब होगी। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आज तकरीबन 66 दिन है ये जो कायम मुकाम हुकूमत कायम हुई है ना मुतनाज़े कायम मुकाम हुकूमत पंजाब में इसके 66 दिन रह गए 66 दिन के बाद एक दिन भी और ये काम नहीं कर सकते। अगर ये एक दिन और भी काम करेंगे तो जिस तरह बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा और जिस तरह तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और जिस तरह आइन में दर्ज है फिर Article 6 का नफाज है। नंबर 2 हमारा केस इंशाल्लाह ताला कल
लाहौर हाई कोर्ट में लग रहा है पंजाब असेंबली से तारीख लेने के लिए पंजाब हुकूमत से कई मुकाम हुकूमत से इलेक्शंस और इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत कल हाई कोर्ट में मौजूद होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ के और कानून के तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। हमें जज साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला वो इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में कराने का जो जो आइन का वादा है उसे इनहराफी नहीं की जाएगी। क्योंकि देखिए अगर हमने इलेक्शन नहीं कराने तो फिर ये जमहूरियत का जो हमने एक रूप ढाला हुआ है ये हमें भूल जाना चाहिए। इसलिए हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। आपने उसको हिस्सों में कराना है जिस तरह आज आप करा रहे हैं 33 में, या आपने सूबाई को हमारे लोगों पर जो तशद्दुद हुआ, हमारे लोगों पर जो जो गिरफ्तारियाँ की गई और जो सिलसिला अभी भी जारी है इससे हम डरे नहीं हैं। हमारे कायद के ऊपर हमारे कायद का जिसम गोलियों से छटी कर दिया, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया। जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटे और ना हटे। हमारा सब जेल भरो तहरीक कब तक शुरू करने का इरादा है? डिले हो जाए। हम अभी देख रहे हैं हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। वैसे यह हमाद अजर, यह हमाद अजर, यह हमाद अजर, यह हमाद तेरे जान सर, यह हमाद अजर, यह हमाद अजर, यह हमाद अजर। आजादी हम चीन के लेंगे, आजादी इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर, इमरान खान जिंदाबाद।